हेलो स्टूडेंट्स, आई तनिषा, वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। अब हम करेंगे बेटा कि हम ओसिलेशंस पढ़ेंगे स्प्रिंग की। अब तक हमने पेंडुलम की पढ़ा, हमें पता था कि मेनली दो तरह से हमारी ओसिलेशंस होती हैं। एक होती है मेरी टू एंड फ्रो मोशन जो मेरा दिखाता है पेंडुलम, एक मेरी होती है बैक एंड फोर्थ मोशन जो मेरी दिखाता है स्प्रिंग। तो मैंने ओसिलेशंस मुझे पढ़नी है स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। और इसे हम फर्स्ट लॉ इन SHM भी बोलते हैं मेनली। सबसे पहले एक बार तो फोर्स लॉ से ही अगर मैं शुरुआत करूं, फोर्स लॉ क्या होता है बेटा? मेनली अगर किसी भी चीज में हमारा जितना ज्यादा मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ फोर्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के। ये मेरा फोर्स लॉ होता है। मैंने इसका थोड़ा सा वेरियंट आपको पहले भी बता दिया था, तो बस इसकी डेफिनेशन ही पढ़नी है। तो मेनली ऑसिलेशन ऑफ अटेस्ट स्प्रिंग पूछा जाए या फिर फर्स्ट लॉ पूछा जाए, दोनों में ही आप सेम करवाओगे तो मेनली सेम करना है आपको। तो टॉपिक का नाम हमारा फर्स्ट लॉ या फिर आप लिखोगे ऑसिलेशंस अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है। मेनली एक स्प्रिंग में कैसे ओसिलेशंस होती हैं, तो मेनली देखो ये मेरा क्या है, ये मैंने किसी भी एक जगह से मैंने स्प्रिंग टांगा है, ठीक है। जैसे ये मेरा स्प्रिंग था ऐसे, इसको मैंने क्या करा किसी एक मास से यहाँ पे टांग दिया, एक मास यहाँ पे लटका दिया इस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मास लटका दिया, छोटा ले लीजिए स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे मास टांगा M। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने इसी से मैंने इसको कंप्रेस किया, इसकी लेंथ क्या थी L, मैंने इसको कंप्रेस मतलब मैंने इसको खींचा अपनी तरफ, तो मेनली ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया कुछ ऐसे, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनमें गैप बन गया, ऐसे हो गया, और वो मास यहाँ पे आ गया सेम मास एम, ठीक है। तो मेनली जो मेरा ये वाला चेंज हुआ, ये तो एल ही थी इतने डिस्टेंस, अब जो स्प्रिंग की आ गई है वो के एक्स आ गई है, ठीक है। तो मेनली ये तो आप समझ गए ना कि खींचने की वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है ना स्प्रिंग की वजह से, और जब आप छोड़ोगे तो दोबारा से इलास्टिसिटी की वजह से वो यहीं चला जाता है अपनी पहले वाली पोजिशन पे, एग्जैक्ट नहीं जा पाता, कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है, बट हम लेके चलते हैं कि वो एग्जैक्ट चला जाता है, ठीक है। तो मेनली करिए कंसिडर a mass m attached to a spring having spring constant k, ठीक है। इसका क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है जैसा फिगर में दिखाया गया है, तो इसमें आप पूरी थ्योरी लिखेंगे बेटा। लेट अगर मास को पुल किया गया है, अपनी तरफ खींचा गया है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी बाय द डिस्टेंस एक्स, डिस्प्लेसमेंट मानो उसमें एक्स हो गई। तो लेट द मास इज पुल्ड डाउनवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट एक्स, therefore if F is the restoring force, F क्या है मेरा restoring force है, तो यहाँ से मुझे पता है F is directly proportional to minus x के आ जाएगा, ठीक है। जितने मेरे displacement हुए उसका negative sign, that is कि opposite direction में, जिस direction में मेरी displacement हो रही है restoring force से opposite direction में लग रहा है। जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, बट मेरे रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है माइनस के एक्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। ये अगर आप शो करते तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको पता होना चाहिए, लिख के ज़रूर दिखाना है, ठीक है। तो ये हुआ माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है न्यूटन्स लॉ की वजह से एफ जो होता है वो एम ए होता है, यहाँ से मेरा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो एफ मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस एफ F1, F2, तो F1 must be equals to F2, क्योंकि every action has equal and opposite reaction, then, जो मेरी MA की value है, वो क्या हो जाएगी, minus KX,
यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाई एम एक्स, ये हुआ ठीक है। और मुझे पता है ये अब ऐसी जब इक्वेशन आती है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k बाई, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि जो मास की वैल्यू है वो भी क्या है कांस्टेंट है और k की वैल्यू भी कांस्टेंट है और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस k। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि जो मेरा स्प्रिंग है, जो मेरा एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है किसी मास से, तो उसमें क्या होती है SHM होती है। ये प्रूव करने आते हैं बेटा ऐसे, तो उसमें प्रूव करना होता है कि आपको ओसिलेशंस प्रूव करनी है और ऐसे इसमें प्रूव करना है ठीक है। तो ये अच्छे से करना है आपको, क्योंकि ये सीधा पूछ लिया जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि स्प्रिंग या फिर किसी भी एक सिंपल पेंडुलम में जो हमारी मोशन होती है ओसिलेशंस होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आप कर दोगे इसे, यहाँ से हुआ तो मेनली आपको पता है ए क्या है, ए क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आपने निकाला ना ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या होगा आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन इसको, ए यहाँ से क्या आया माइनस के बाय एम एक्स एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। बाय कंपेयरिंग ऑन दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम, माइनस से माइनस कटा ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई के बाय एम अंडर रूट, या फिर हमारे k की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा स्क्वायर बाय m, ये आ गई वैल्यू ठीक है। अब मेनली देखो बेटा, अब मेरा क्या है जो मेरा फोर्स है, मेरा जो फोर्स लग रहा है इस पेंडुलम की वजह से, यहाँ पे मेरा नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, सिमिलरली इस m पे भी जो मैं इसे यहाँ पे छाप रही हूँ उसका भी फोर्स mg नीचे लगेगा। तो ये फोर्स मेरा किससे होगा, अगर देखो मेरा ये फोर्स क्या बेटा मेरा माइनस ऑफ एम जी, एक फोर्स मेरा ऊपर भी लगेगा ना इसमें, क्योंकि ये माइनस ऑफ एम जी लगेगा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स। तो टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम आपको पता है, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम क्या होगा बेटा, टी इज इक्वल टू 2π रूट एक्स बाय ए होता है। ये वैल्यू पुट करो, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ए क्या है के एक्स बाय एम, दैट इज एक्स के एक्स बाई एम। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2m अपॉन m बाई के। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आती है हमारे एक स्प्रिंग के लिए, t इज इक्वल्स टू 2π रूट अंडर रूट m बाई के। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी यहाँ से 1/t, दैट इज 1/2π अंडर रूट के बाई एम, या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, वरना आपको पता है जो ओमेगा की वैल्यू होते हैं वो क्या होती है अंडर रूट के बाय एम, तो वहाँ से भी लिख सकते हो ठीक है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी और ये निकालनी आती है और ये प्रूव करना आता है कि ये SHM होती है, ये प्रूव हुआ। अब मेनली इसके दो केस है, जब हमारे दो केस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट बनाना और उस पर इम्पोर्टेंट डाल लेना है ठीक है। दो केस है जब हमारा स्प्रिंग है, जो दो स्प्रिंग हम लेंगे उन स्प्रिंग को या तो कनेक्ट किया गया हो सीरीज में या फिर कनेक्ट किया गया हो पैरेलल में। दो केस है व्हेन द टू मास अटैच टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड पैरेलल या फिर जो मेरा हो हमारे सीरीज में। तो मेनली हम जैसे पहले केस करते हैं कनेक्टेड टू पैरेलल का, फर्स्ट केस ओसिलेशंस of a mass attached to two springs connected parallel, connect किए गए हैं वो कैसे parallel ठीक है। तो मेनली देखो जैसे ऐसे है मेरा ठीक है, यहाँ मेरा एक spring connect है यहाँ पे और यहाँ पे एक मेरा स्प्रिंग कनेक्ट है ऐसे, दोनों को मैंने एक कॉमन मास से जोड़ा है एम। इसका देखो बेटा ये क्या है, इसका मानो कि मेरा के वन है, ये थोड़ा इस को इस तरफ खींचेगा, देखो मेनली जो फोर्स लगेगा इसकी है डिस्टेंस एक्स टू ऐसे, इसकी है एक्स वन ठीक है, इसका जो फोर्स लगेगा नीचे एम जी ठीक है, इसका है मेरा फोर्स ऊपर लगेगा एफ वन, इसे क्योंकि नीचे खींच रहा है ये मास तो रिस्टोरिंग फोर्स की ये होगी, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी एफ टू ठीक है। इसका है के वन स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका है के टू, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, स्प्रिंग मेरे दोनों ही डिफरेंट है तो के वन के टू मेरा अलग होगा
ठीक है। तो आप देखो बेटा, इसे लिखोगे आप, अगर थ्योरी लिखो, कंसिडर टू स्प्रिंग्स एस वन एंड एस टू, दो स्प्रिंग लिए हैं आपने एस वन एंड एस टू, कनेक्टेड इन पैरेलल लेट के वन एंड के टू आर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ये सारी चीजें जो वही लिख रही हूँ मैं बेटा मैं, ठीक है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ एस वन एंड एस टू, नाउ अ मास एम इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया वैसे मैंने कनेक्ट किया है। तो व्हेन मास इज, जब मास मेरा स्ट्रेच किया जाएगा, मास इज स्ट्रेच्ड डाउन, जब मेरा मास नीचे की तरफ खींचा जाएगा, देन लेट द डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगी, लेट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन एस वन इज एक्स वन एंड इन एस टू इज एक्स टू। तो ये हुई मैंने डिस्प्लेसमेंट मेरी। अगर मेरा फोर्स, इफ एफ वन एंड एफ टू बी द रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ वन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के वन एक्स वन, है ना, ये पता है आपको, और एफ टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के टू एक्स टू। अब मेरा जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ वन प्लस एफ टू, इट मीन्स माइनस ऑफ के वन एक्स वन प्लस माइनस ऑफ के टू एक्स टू। ये समझ आया आपको स्टेप, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या लिया, स्प्रिंग इक्वल स्प्रिंग लगर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, स्प्रिंग पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं और एक से एक जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, एक जैसे स्प्रिंग है, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम मास कनेक्ट है, तो जो उनकी हम लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुई है वो सेम ही हुई है ऑलमोस्ट। तो एक्स वन प्लस एक्स टू इज नियरली इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल के लिए हैं तो उनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या होगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे, देन एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वन एक्स माइनस ऑफ के टू एक्स, तो एफ वन, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वन प्लस के टू इंटू एक्स। तो जो मेरा यहाँ से के आ गया वो क्या आ गया, ये आ गई मेरी वैल्यू, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब वही चीज़ जब हमारा रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं, ये मेरा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, अब मैं इसे इक्वेट कर देती हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ से, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से वो इक्वेट होगा, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स के वन प्लस के टू। वही ए की वैल्यू निकालिए, के वन प्लस के टू माइनस अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये भी पूरा एक कॉन्स्टेंट है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई एस एच एम के लिए, मेनली जो हमारा ये स्प्रिंग जब पैलर में कनेक्ट होते हैं तो ये कम्बिनेशन हमारा क्या करता है बेटा, ये कम्बिनेशन हमारा करता है कि इनमें, इन्हें भी एक एस एच एम, ये मेनली एस एच एम को ही फॉलो करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही फॉलो करे, ठीक है। तो मेनली यहाँ से आप देख सकते हो कि एस एच एम है, ये आप लिख सकते हो। आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के वन प्लस के टू, है ना, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ के वन प्लस के टू एक्स अपॉन एम, एक्स से एक्स कटा माइनस से माइनस कटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वन प्लस के टू बाई एम, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के वन प्लस के टू बाई एम। तो यहाँ से टू पाई बाई टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के वन प्लस के टू बाई एम, अंडर रूट में ये सारा, तो टी विल बी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के वन प्लस के टू, ठीक है। तो यही मेरा क्या आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अगर ऐसे बोला जाए कि कोई दो स्प्रिंग हमारे कनेक्ट है पैरेलली, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट है और उनका जो टाइम पीरियड है वो ये है, ठीक है, तो के वन प्लस के टू हमारे पैरेलल में कनेक्ट है बेटा। और अगर बोला जाए ना कि यहाँ से क्या हो कि दो स्प्रिंग दिए गए हैं, उनके दो डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे दिए गए हों, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू अपने k
किसके लिए, टी के लिए। ठीक है, अब मेरे लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। फ्रीक्वेंसी म्यू, म्यू क्या होती है, वन अपॉन टी, दैट इज वन अपॉन टी जब आप करोगे देन म्यू विल बी कम आउट वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के वन प्लस के टू बाई एम। तो ये रिजल्ट याद रखना है, जो ये रिजल्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी के लिए, ये कब आता है, जब दो स्प्रिंग हमारे कनेक्ट किए गए हों पैरेलली। ठीक है, पैरेलल दोनों स्प्रिंग हमारे कनेक्ट किए गए हों तो जो मेरे टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो आती है टू पाई अंडर रूट एम बाई के वन प्लस के टू। सिंपली जो के की वैल्यू हो जाती है वो के वन प्लस के टू हो जाती है जब वो पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जब वो अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ये आ गई क्योंकि अंडर रूट के बाई एम होता था वन अपॉन टू पाई आगे, तो सीधा के की वैल्यू बस डिफरेंस ही हुआ है के वन प्लस के टू हो गए हैं। ठीक है, अब ये तो मेरा केस हो गया फर्स्ट। अब है मेरा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑसिलेशंस ऑफ अ मास अटेंड्स टू द टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन द सीरीज। अब मेरा क्या है, जब अब मेरे वो कनेक्ट हो सीरीज में, ठीक है, तो ऑसिलेशंस ऑफ ए मास अटेंड्स टू टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कनेक्ट हो वो सीरीज में। ठीक है, तो ऑसिलेशंस ऑफ द मास हो गई मेनली ये। अब बेटा क्या है, अब है मेनली हम जब दोनों स्प्रिंग अब कर होंगे इसमें तो थ्योरी सेम हो जाएगी, सिर्फ मैं आपके लिए डायग्राम बना देती हूँ कि कैसे हमारा डिफरेंट होगा। तो देखो मेनली ये मेरा ऐसे है दिस, तो स्प्रिंग मेरा ये हुआ कनेक्ट ऐसे, दूसरा स्प्रिंग ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया, दूसरा स्प्रिंग ऐसे, दिस इज मास एम, वेट नीचे लगेगा एम जी। मुझे अब इस केस में निकालना है क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अगर मेरी यहाँ पे होगी वाई टू, यहाँ पे होगी वाई वन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है मेरा के टू, ये स्प्रिंग एस टू, दिस इज स्प्रिंग एस वन, यहाँ पे मेरा के टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे के वन है, दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा एफ वन एंड दिस विल बी एफ टू, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मेनली देखो बेटा मुझे ये निकालना है। अब सबसे पहले तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के वन वाई वन, एफ इज एफ टू इज इक्वल्स टू माइनस के टू वाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज है मेरी। अब मैं करती हूँ पुट इन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ अपॉन के वन एंड वाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ अपॉन के टू, ये हुआ। अब मेरी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों ही स्प्रिंग्स की वजह से, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी वाई वन प्लस वाई टू, ये मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसे मैं करूँगी तो माइनस एफ अपॉन के वन प्लस माइनस एफ अपॉन के टू, माइनस एफ कॉमन लो, दोनों में क्या हो रहा है कि जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैंने सेम माना है। ठीक है, कि रिस्टोरिंग फोर्स है मेरा दोनों में सेम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वो सेम डायरेक्शन में ऊपर लग रहे हैं, तो एक टोटल ही हमारा एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। तो जब आप करोगे यहाँ से बेटा एफ माइनस एफ कॉमन लिया, क्या बचा वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, ये बचा, टेक द एलसीएम, देन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ के वन के टू के वन प्लस के टू, ये आ गया मेरा। अब f की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, f की वैल्यू y इज इक्वल्स माइनस माइनस ऑफ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू y। तो यहाँ से जो मेरी f की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ से जो मेरी रिजल्टेंट k की वैल्यू है वो क्या है, माइनस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। पैरेलल में ये सीधे कनेक्ट हो जाते थे, बट ये सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, माइनस के वन अपॉन के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ऐसे कनेक्ट होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तो अब टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, अगर बॉडी हमें लेफ्ट छोड़ी गई
ठीक है, यहाँ से आप के तो देख ही सकते हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हमने बॉडी को ऐसे लेफ्ट छोड़ दिया तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगी, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू बेटा 2π अंडर रूट, क्या होता है मेरा इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया का जो फैक्टर होता है, अपॉन होता है मेरा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, क्या होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इनर्शिया का फैक्टर और मेरा क्या होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये हुआ। अब देखो बेटा 2π अंडर रूट एम बाय के, ये होती है टाइम की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एम बाय के की वैल्यू क्या है, K1 K2 इंटू K1 प्लस K2, ये वैल्यू है मेरे टाइम पीरियड के लिए। अब मेरी जो म्यू की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 1/2π इंटू, ये रिवर्स हो जाएगी, तो K1 K2 / m K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये मेरा दोनों तीन केस थे, सबसे पहले कौन सा, जब स्प्रिंग के ऑसिलेशंस को हम प्रूव करते हैं SHM या फिर फर्स्ट लॉ, ओके। सेकेंड वन था मेरा जब मैंने दो स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्ट किया किसी एक सिंपल मास से, देन फिर उनमें जो ऑसिलेशंस हुई उनका मैंने टाइम पीरियड निकाला। अब क्या है मेरा, अब है मेरा सीरीज में, जब दो मेरे स्प्रिंग थे सीरीज में और नीचे था मास m, तो मेरे दोनों की वजह से क्या हुआ कि दोनों में जो चेंज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या मेरे टाइम पीरियड में चेंज हुआ, तो तीनों ही केसेस मेरे हो गए हैं जी। इस चैप्टर की जो मेरे लिए ऑसिलेशन चैप्टर की थियरी आपकी यहीं ख़त्म होती है, स्प्रिंग वाले एक दो न्यूमेरिकल्स अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो अपनी थियरी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।